लॉकडाउन के मद्देनजर सरकार की ओर से कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से भी एक फैसला हुआ जिसमें केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड रिकरिंग डिपॉजिट डेडलाइन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के मद्देनजर सरकार की ओर से कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड रिकरिंग डिपॉजिट और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत भी एक अहम फैसला लिया। इन योजनाओं के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अनिवार्य डिपॉजिट डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। सरकार ने समय सीमा 30 जून तक कर दी है। लॉकडाउन के मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने ये अहम फैसला लिया है। अपने फैसले में वित्त मंत्रालय ने कहा कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और रिकरिंग डिपॉजिट पर अकाउंट होल्डर्स को राहत दी गई है। स्मॉल सेविंग डिपॉजिटर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसकी डेडलाइन को बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल इन अकाउंट्स को एक्टिव रखने के लिए हर साल कुछ राशि डिपॉजिट करनी होती है। ऐसा नहीं करने पर सब्सक्राइबर्स पर पेनल्टी चार्ज किया जाता है। आमतौर पर इस पेनल्टी से बचने के लिए अधिकतर सब्सक्राइबर्स इन स्कीम्स में वित्त वर्ष के अंत में डिपॉजिट करते हैं। वित्त मंत्रालय के इस ऐलान के बाद अब डिपॉजिटर्स स्कीम में 30 जून तक पैसा जमा कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई डिपॉजिट नहीं करना होगा। इससे उन डिपॉजिटर्स को राहत मिलेगी जिन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनमें अब तक कोई डिपॉजिट नहीं किया है। इसके लिए डिपॉजिटर्स को अकाउंट ऑफिस में एक अंडरटेकिंग देनी होगी। इस अंडरटेकिंग में उन्हें इस बात की जानकारी देनी होगी कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान उन्होंने इन अकाउंट्स में अधिकतम डिपॉजिट लिमिट को पार नहीं किया है। मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि इन डिपॉजिट्स पर ब्याज दर वास्तविक डिपॉजिट के दिन से कैलकुलेट की जाएगी। साथ ही अगर 31 मार्च से 30 जून के बीच इन अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस नहीं है तो भी इस पर कोई चार्ज नहीं देना होगा और 31 मार्च को मैच्योर होने वाले सभी पीपीएफ अकाउंट्स की भी मैच्योरिटी डेट 30 जून ही होगी। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।